हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की और उसके अंदर जैसे जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर क्या होता है किसी भी हार्डवेयर डिवाइस के लिए और वो ड्राइवर क्या काम करता है। तो जैसा कि देखिए, हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली क्या करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली वर्क करता है एज ए रिसोर्स मैनेजर। एज ए रिसोर्स मैनेजर मतलब कंप्यूटर सिस्टम से जो भी रिसोर्सेज अटैच हैं उनको मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। बेसिकली कौन कौन से रिसोर्सेज ये मैनेज करता है, देखिए फर्स्ट हो गया आपका प्रोसेसर, प्रोसेसर्स, सेकंड हो गया मेन मेमोरी, मेन मेमोरी, थर्ड हो गया सेकेंडरी मेमोरी। ये सारे जो रिसोर्सेज अटैच रहते हैं कंप्यूटर के साथ या कंप्यूटर के अंदर उनको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। फोर्थ हो गया पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस कंप्यूटर से अटैच होती है, जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है और भी आपकी तमाम जी माउस है, ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और पाँचवा हो गया आपका इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन रहती है उन सबको, तो इन सबको मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, इसीलिए इसको रिसोर्स मैनेजर भी कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम और क्या काम करता है, और वो ये काम करता है कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सपोर्ट। अब किसको प्रोवाइड करता है, नंबर ऑफ सर्विसेज को टू असिस्ट द यूजर्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो नंबर ऑफ सर्विसेज को ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब नंबर ऑफ सर्विसेज में क्या आ गया, अगर हम प्रोग्रामर के लिए बात करें, फॉर प्रोग्रामर मतलब जो व्यक्ति काम कर रहा है कंप्यूटर सिस्टम पे, तो वो डिबगिंग करता है यानी डिबगर्स की सर्विस में ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एडिटर्स में, ठीक है, और हो गया आपका फाइल मैनेजमेंट में, इन सब चीज़ें में ये प्रोग्रामर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हो गया। उसके अलावा अब प्रोग्राम्स के लिए जो प्रोग्राम रन करता है उसको क्या सपोर्ट प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जो प्रोग्राम रन करता है उसको इट लोड्स इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इन टू मेमोरी, ठीक है, क्या करता है, इट लोड्स, इट मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, लोड्स इंस्ट्रक्शन, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे प्रोग्राम को रन कराने के लिए, इट लोड इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा किसमें, इनटू मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी में इंस्ट्रक्शन और डेटा लोड करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। दूसरा काम क्या करता है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को रेडी करता है यानी प्रिपेयर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, किस चीज के लिए, फॉर यूज, यूज होने के लिए प्रिपेयर करता है। थर्ड क्या है, अगर कोई इंटरप्ट आता है तो इट हैंडल्स इंटरप्ट्स, अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है, इंटरप्ट्स आते हैं तो उसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। और अगर मान लीजिए कोई एरर कंडीशन आ गई, कोई एरर आ गई उस पर प्रोग्राम रन कराने में, तो उसको भी हैंडल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के ये मेन काम है, एक तो रिसोर्स मैनेजर इन सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है और दूसरा सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करना। तो सपोर्ट सर्विस जो यूज़र है, जो प्रोग्रामर है, उसके लिए इस तरह सर्विस सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करता है, और जो प्रोग्राम रन कर रहा है उसको रन करने में इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम मदद करता है, ठीक है। तो ये इसके मेन यूज़ हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब इसको मान लीजिए कि हिरारिकल सिस्टम में अगर हम बनाएं कि द हिरारिकल व्यू ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इलस्ट्रेट्स हाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट्स विद द यूजर्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, अगर हम हिरारकी के हिसाब से बनाएं तो देखिए सिंपली क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर है, इसको आप लिख लीजिए कंप्यूटर हार्डवेयर, मतलब सारे पार्ट को असेंबल करके हमने ये कंप्यूटर बना दिया, इसके ऊपर क्या लोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक।
ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम क्या लोड करते हैं या क्या इंस्टॉल करते हैं, यूटिलिटीज, इसको आप लिख सकते हैं यूटिलिटीज, और यूटिलिटीज के ऊपर क्या स्टोर होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम, इसको आप लिखिए एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक, तो इस तरह से एक हायरार्किकल व्यू बन जाता है कंप्यूटर सिस्टम का, और एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर, या इसको जैसे मान लीजिए हम एक कवरिंग लेयर दे दें ताकि इसको आपको समझने में और आसानी रहेगी, कि मान लीजिए हमने कहा कि से सपोज कीजिए हम इसको ऐसे शो करते हैं ए ये, ठीक, अब ये हो गया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से एक हायरार्किकल व्यू बन जाता है इसके ऊपर जब आप लोड करते हैं। ठीक, अब इसके ऊपर क्या होता है, जो एंड यूज़र रहता है, एंड यूज़र मतलब जो यूज़र रहता है, तो यूज़र कहाँ पे इंटरेक्ट करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम से, तो यहाँ पे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं किससे, एंड यूज़र से, एंड यूज़र मतलब प्रोग्रामर, मतलब हम लोग जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं। सेकेंड स्टेप पे प्रोग्रामर जो है वो यूटिलिटीज़ के साथ हैंडल करता है, तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्रोग्रामर, प्रोग्रामर। ठीक, उसके बाद थर्ड स्टेप ऑपरेटिंग सिस्टम से कौन इंटरेक्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर। ठीक, तो ये एक तरह से ये क्या हो गया, ये एक तरह से हायरार्किकल व्यू हो गया, हायरार्किकल व्यू हो गया, ठीक है, व्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक, अब इसके बाद एक चीज और रह जाती है कि जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, ड्राइवर, ड्राइवर क्या होते हैं किसी भी हार्डवेयर डिवाइस के, जैसे आप प्रिंटर अटैच करेंगे, स्कैनर अटैच करेंगे, कोई भी हार्डवेयर डिवाइस आप अटैच करेंगे कंप्यूटर से, तो आपको उसके ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, समझ गए। तो ड्राइवर क्या होता है ये हम पहले भी बता चुके हैं, फिर आपको बता देते हैं कि ये ड्राइवर इज ए स्पेशली रिटेन प्रोग्राम विच अंडरस्टैंड्स द ऑपरेशन ऑफ द डिवाइस इट इंटरफेसेस टू, सच एज प्रिंटर, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड और सीडी रोम ड्राइव। यानी मान लीजिए ये आपका कोई कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, दिस इज ए कंप्यूटर, अब इसके साथ आपने कोई हार्डवेयर डिवाइस अटैच कर दी, मान लीजिए आपने प्रिंटर अटैच कर दिया, ठीक, तो इस प्रिंटर को रन कराने के लिए इसका ड्राइवर, इसका जो सॉफ्टवेयर है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने इससे कोई सीडी रोम ड्राइव कनेक्ट की हुई है, सीडी रोम ड्राइव, ठीक, या मान लीजिए इसके साथ वीडियो कार्ड लगा हुआ है कंप्यूटर में, वीडियो कार्ड, या साउंड कार्ड लगा हुआ है ऑडियो सब बजाने के लिए, वूफर वगैरह बजाने के लिए साउंड कार्ड। तो देखिए हार्डवेयर तो आप कनेक्शन कर देंगे जिस पिन को जिस पिन से कनेक्ट करना है, लेकिन इन कंपोनेंट्स को रन करने के लिए इनके सॉफ्टवेयर को, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइवर, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा हमको कहाँ पे, कंप्यूटर पे, ठीक है। तो यही काम होता है ड्राइवर का, इसीलिए बोलते हैं ड्राइवर इज ए स्पेशली रिटेन प्रोग्राम विच अंडरस्टैंड्स द ऑपरेशन ऑफ द डिवाइस, ठीक है, इट इंटरफेसेस टू, यानी इस साउंड कार्ड का जो ऑपरेशन है वो इसका ड्राइवर समझता है, वीडियो कार्ड का ड्राइवर उसका ऑपरेशन समझता है। तो कंप्यूटर से जब आप कमांड देंगे वीडियो कार्ड के लिए कोई या साउंड कार्ड के लिए कोई, तो जब तक इसका सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल होगा, इसका ड्राइवर नहीं इंस्टॉल होगा, तब तक ये कंपोनेंट नहीं काम करेंगे, समझ गए। अब उसके बाद ये करता क्या, इट ट्रांसलेट्स कमांड्स फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर इनटू कमांड्स अंडरस्टूड बाय द कंपोनेंट कंप्यूटर पार्ट इट इंटरफेसेस, वही चीज है, जैसे मान लीजिए हमने कोई कमांड दिया से सपोज कीजिए साउंड कार्ड के लिए, साउंड कार्ड के लिए, तो जो हम कमांड देंगे यूजर देगा या ऑपरेटिंग सिस्टम देगा, उसका फॉर्मेट अलग होगा, समझ रहे हैं, और जो डिवाइस है जो साउंड कार्ड फॉर्मेट
समझता है वो उसका फॉर्मेट अलग होगा। मान लीजिए फॉर्मेट वन है, ये फॉर्मेट टू है, तो जब इसका ड्राइवर इंस्टॉल होगा, ये और ये आपस में किससे कनेक्ट होंगे, एक ड्राइवर से, यहाँ पे ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, तो वो ड्राइवर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा इस फॉर्म में ताकि ये समझ सके और अपना काम करे। तो ये इसलिए ड्राइवर जरूरी होता है, ठीक। तो एक तो ये काम करता है, इट ऑल्सो ट्रांसलेट्स रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द कंपोनेंट कंप्यूटर पार्ट बैक टू रिस्पॉन्सेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाई द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वाइसा वर्सा है, मतलब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई कमांड दिया, ठीक है, इसने इस कमांड को इसके समझने योग्य कमांड में चेंज कर दिया और ये साउंड कार्ड वो काम करने लगा, ठीक। और अब साउंड कार्ड क्या भाई, चलिए आपने कोई गाना प्ले करने के लिए कहा, साउंड कार्ड ने समझ के उस गाने पे पहुंच के उसको प्ले करने लगा। अब प्ले करके आउटपुट कहाँ मिलेगा आपको, स्पीकर पे मिलेगा आउटपुट, तो आपको स्पीकर पे ही मिलेगा ना, ठीक। तो उस गाने को प्ले करके ये वापस इसको कमांड देगा, ठीक, और ये फॉर्मेट टू को फिर कन्वर्ट कर देगा ड्राइवर किस में, फॉर्मेट वन में, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम उस कमांड को समझ सके, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उस कमांड को लाउड स्पीकर को या वूफर को दे देगा ताकि यहाँ से आपको गाने की आवाज़ आने लगे। तो सिंपली ड्राइवर क्या है, ड्राइवर एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है, स्पेशल सॉफ्टवेयर है जो इंटरफेसिंग के लिए ज़रूरी होता है, किसी भी डिवाइस को कंप्यूटर से काम कराने के लिए या किसी भी डिवाइस को कंप्यूटर से इंटरफेस कराने के लिए आपको ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। तो यही बेसिक आंसर है, फंडामेंटल आंसर है कि ड्राइवर क्या काम करता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ड्राइवर ये काम कर सकता, ये काम करता है, कर सकता नहीं, करता है। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा, अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है या क्वेरी है या कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।